नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर वन आप जब सिलेबस देखेंगे तो उनमें यूनिट नाइन जो है, यूनिट नाइन में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस लेक्चर में हम सभी मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्रथम पॉइंट जो मैंने राइट डाउन किया हुआ हूँ, इसमें लिखा हुआ है 16 सितंबर 1887 को कनाडा में सम्मेलन हुआ, परंतु 1 जनवरी 1889 से प्रभावी हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कनाडा का एक शहर का नाम है मॉन्ट्रियल, वहीं पर यह प्रोटोकॉल जो है सम्मेलन हुआ था, इस कारण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनका नाम दिया गया है। लेकिन आपको ये बातें याद रखनी है कि ये प्रभावी कब से हुआ, विधिवत रूप से लागू कब हुआ, तो 1 जनवरी 1889 से ये प्रभावी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस कारण से गठित किया गया था। तो आपको याद रखना है ये ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ऑप्शन रहेगा आपको, तो आपको टिक लगाने हैं ओजोन परत क्षरण को रोकने से। तो हम ओजोन परत के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे समताप मंडल में ओजोन परत है, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद, यूँ कहें तो बहुत ही लाभदायक परत है, क्योंकि जो हमारे सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है, पराबैंगनी किरण जो निकलती है, वो हमारे पृथ्वी पर पहुँचने से रोकती है, यही ओजोन परत है। तो इनके क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना, यह सम्मेलन कनाडा में हुआ था। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि ओजोन परत में जो हो रहे हैं क्षरण हैं, इसके लिए कौन से गैस या कौन से कारक उत्तरदायित्व हैं। तो मैंने थर्ड पॉइंट में यही राइट डाउन किया हुआ हूँ, ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व है। तो कौन से गैस उत्तरदायित्व हैं, तो CFC आपको याद रखने हैं, क्योंकि स्पष्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सबसे प्रमुख कारण कौन है जो ओजोन परत को क्षरण के लिए उत्तरदायित्व है, तो आपको याद रखनी है CFC है। इसके अलावा भी अन्य गैस हैं जो कि हैलोजन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन परत को नष्ट करती है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि CFC गैस कहाँ से निकलती है। तो आप देखते हैं कि हमारे दिनचर्या में जो यूज होने वाले घरों में लगे रहते हैं AC, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि से CFC गैस निकलती है। तो ये आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि CFC गैस प्रमुख कहाँ से, ये जो गैस है कहाँ से निकलती है। तो आपको याद रखना है AC है, रेफ्रिजरेटर से है, फोम से है, रंग, प्लास्टिक इत्यादि से है। तो ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। अब ये जानते हैं कि ये जो ओजोन परत क्षरण होगा, अगर अल्ट्रावायलेट किरण हमारे पृथ्वी पर आती है तो क्या होगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो त्वचा कैंसर होगा, आँखों की बीमारी होगी, हृदय रोग होंगे, अन्य शारीरिक बीमारी भी होगी, साथ ही साथ फसलों के जो उत्पादन में भी कमी आएगी। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि ओजोन जो है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरण से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। अगर ये ओजोन परत क्षरण हो जाएगा, जो छिद्र हो जाएंगे यहाँ पर, तो क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ये सब कारण हैं, ये प्रभाव हमारे जो कि शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही फसलों पर भी के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेंगे। लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो सम्मेलन 16 सितंबर जो 1887 में हुआ था, इस कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 सितंबर को ओजोन जो है दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये बातें याद रखना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, साथ ही लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।